हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम कल 11 सितंबर 2020 के जो टेलीग्राम क्वेश्चंस मैंने डाले थे उसके एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमने डाला था, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर एंड आवर फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज He first created the Indian Society of Oriental Art and later went to establish Bengal School of Art. ठीक है, second statement है, most of his works revolved around Hindu philosophy. आइए discuss करते हैं दोनों statement को detail में। सबसे पहले तो ये बात समझिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, nephew थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे। स्वदेशी वैल्यू इसको काफ़ी सपोर्ट किया था इन्होंने, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है इनका इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। सबसे पहले अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इन्होंने बनाया, फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बनाया, तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ हो जाता है अपना सही। ये मानते थे कि इंडियन आर्ट और जो उसकी जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो बेसिकली सेंसुअलिटी स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देती है, काफ़ी ज़्यादा आध्यात्म को महत्वता देती है, बजाय कि जो वेस्टर्न जो आर्ट है जो मेटरलिज्म पे फोकस करता है उसके अपोजिट में हमारा यहाँ पे मेटरलिज्म में फोकस नहीं करता, बल्कि स्पिरिचुअलिज्म में ज़्यादा हमारी महत्वता है। इनका आइडिया था कि मुगल और राजपूत पेंटिंग्स को किस तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए, फिर मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स लाई जाए, इस वजह से इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भी बनाया। हिंदू फिलोसफी के चारों तरफ इर्द गिर्द इनकी जो पेंटिंग्स थी वो रहती थी। चाइनीज़ और जापानीज़ ट्रेडिशंस भी इन्होंने अपने स्टाइल में लाने शुरू कर दिए। बहुत ही अच्छी इनकी पेंटिंग्स और काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स थी। अगर मैं नाम बताऊँ उनका तो वन ऑफ द फेमस पेंटिंग वॉज भरत माता। शाहजहाँ जब गुजर गए थे, पासिंग ऑफ शाहजहाँ नाम की पेंटिंग भी थी, माय मदर नाम की पेंटिंग भी थी, तो काफ़ी सारी पेंटिंग्स इनकी बनाई हुई है और काफ़ी आपको जो है यहाँ पे इनके बारे में पढ़ना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी है और आप देख सकते हैं 842 बच्चों ने इसको सोल्व किया और 62% लोगों ने सही किया, तो अच्छी बात है, मेजोरिटी ने सही किया, बाकी लोग थोड़ा ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें। मिडिल इनकम ट्रैप, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अबाउट मिडिल इनकम ट्रैप। एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज स्टार्ट्स स्टैग्नेटिंग एट मिडिल लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू होती है। ये तो पढ़ा था कि मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर जो इकोनॉमीज होती हैं वो लो से मिडल तक जाते जाते रुक जाती है और फिर उससे आगे नहीं जा पाती, या तो उतनी रह जाती है कांस्टेंट या नीचे चली जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर इनकम जो ट्रैप तुम देख रहे हो, जो इनकम लेवल देख रहे हो, वो किस पे माने, नेशनल इनकम पे माने या पर कैपिटा इनकम पे माने। तो याद रखने वाली बात है कि वर्ल्ड जो बैंक है वो हमेशा से जो कंट्रीज़ को क्वालिफाई करता है, क्लासीफाई करता है, वो पर कैपिटा इनकम पे करता है इस मामले में खासकर, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है कि सिचुएशन है लो प्रोडक्टिविटी की और हाई इनक्वालिटी की। ऑफकोर्स जब इनकम स्टैग्नेट हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी नहीं, तो प्रोडक्टिविटी लो रहेगी और इट विल रिजल्ट इन हाई इनक्वालिटी विच इज़ ऑल्सो ऑलरेडी इन आवर सोसाइटी। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी डेफिनेटली रिमेंबर बाई यू। इट द थर्ड स्टेटमेंट इज इट वॉज कॉइंड बाय अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, और उनके साथ जो को रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको टर्म को जो है कोइन किया। अगला है कि अगला इस सेंटेंस में अगला पार्ट है, इसकी वजह से इन्हें नोबल मेमोरियल प्राइज़ मिला 2019 में। अब ये ट्रिगर पॉइंट था क्योंकि अभिजीत बनर्जी ने कोइन किया, ये बात तो आपको पता रहे नहीं रहे ये तो ठीक है, लेकिन एक बात तो सच्ची है कि 2019 में इनको नोबल प्राइज़ मिला था। 2019 में अगर नोबल प्राइज़ मिला था और ये मिडिल इनकम ट्रैप अगर आप देखें तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, बहुत पहले से मिडिल इनकम ट्रैप की वजह से इनको नोबल प्राइज़ नहीं मिल सकता, क्योंकि इनको नोबल प्राइज़ जो मिला था वो
और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आपने पढ़े होंगे, उनकी वजह से मिला। और मिडल इनकम ट्रैप जब भी पढ़ते थे तो अभिजीत बनर्जी का भी नाम हमने पढ़ा नहीं। और मिडल इनकम ट्रैप काफ़ी पुराना है, मतलब इसको 2006 में वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट थे इंडरमिट गिल और होमी खरस नाम के इकोनॉमिस्ट ने इसको कॉइन किया था। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडरमिट गिल एंड होमी खरस। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि मिडल इनकम ट्रैप तब से चल रहा है तो आपको ये भी समझ में जाना चाहिए था कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। और एलिमिनेशन अगर हम करते हैं तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ए बी और डी गलत हो जाता है और सी बचता है। तो काफ़ी अच्छे मेजोरिटी से इसको, मेजोरिटी नहीं लेकिन काफ़ी अच्छे परसेंटेज से इसको सॉल्व किया गया। हालांकि आप देख सकते हैं कि बच्चों ने थोड़ा सा इसमें परफॉर्मेंस कम किया बाकी बच्चों ने, तो रिविज़न करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस इफ अ स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब्स इट। गवर्नर कैन सस्पेंड अ डेथ सेंटेंस। एक बात समझने की जरूरत है यहाँ पे, डेथ सेंटेंस एक्सक्लूसिव, अच्छा डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की एक्सक्लूसिव पावर प्रेसिडेंट के पास, मैं बात कर रहा हूँ पार्डन की। ठीक है, आपको पता है बहुत सारी पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, गवर्नर के पास भी होती है। हालांकि डेथ सेंटेंस की जब पार्डन करने की बात होती है तो प्रेसिडेंट के अलावा यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, चाहे इसको स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब करे या ना करे, लेकिन गवर्नर इसको कम्यूट कर सकता है, डेथ सेंटेंस को रिमिशन कर सकता है और इसको रिस्पाइट रिप्राइव डेथ सेंटेंस का हो सकता है, पार्डन नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन में। द पार्डनिंग ऑफ डेथ सेंटेंस इज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें और देखें तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा गलत है और तीसरा हमारा यहाँ पे सही है, तो वन और थर्ड हमारा यहाँ पे सही होता है। 41% लोगों ने सही किया। अगला पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि प्रेसिडेंट की पावर गवर्नर की पावर से कैसे डिफरेंट है, कुछ तरीके से। एक तो मैंने आपको डेथ सेंटेंस का बता दिया, दूसरी चीज़ है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल ऑल्सो वाइल गवर्नर कैन नॉट डू दिस। कोर्ट मार्शल के द्वारा जो सज़ा मिलती है राष्ट्रपति उसको भी माफ़ कर सकता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है गवर्नर, ही कांट डू इट। ठीक है, समझ में आनी चाहिए ये चीज़ें। और आर्टिकल भी याद रखिएगा, 72 आर्टिकल है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर का। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। An ordinance can repeal any act of parliament. An ordinance cannot alter a tax law. An ordinance can repeal another ordinance. An ordinance cannot be issued to amend the constitution. बेसिक से समझना पड़ेगा हमको सारी चीज़ें। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में, या फिर जब इमरजेंसी में भी कब, जब हमारे हाउस सेशन में नहीं रहे, या तो दोनों नहीं रहे या दोनों में से एक नहीं रहे, क्योंकि लॉ तो दोनों से पास होगा ना, एक सेशन में है और एक नहीं है, उसे लॉ तो नहीं बन जाएगा। तो टाइम लगे, ज़रूरत ऐसी होए कि लगे कि लॉ पास करने की ज़रूरत है पर दोनों सेशन यहाँ पे नहीं है, या फिर दोनों हाउसेस यहाँ पे सेशन में नहीं है, या फिर एक हाउस सेशन में नहीं है। ठीक है, या तो दोनों हाउस सेशन में नहीं हो या एक हाउस सेशन में नहीं हो, तो उस टाइम ऑर्डिनेंस यहाँ पे काम आता है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करता है तब जब पार्लियामेंट यहाँ पे रिसेस में हो, उसके बाद जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है तो फिर पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाता है। दोनों हाउसेस के द्वारा इसको अप्रूव करना होता है। 6 वीक के अंदर अंदर अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, वरना यहाँ पे अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा। और 6 महीने के अंदर, छः वीक ध्यान रखना ना, पार्लियामेंट जब रीअसेंबल होता है तो 6 वीक के अंदर अंदर इसको पास करना ज़रूरी है। नहीं होता पास, डिसअप्रूव हो जाता है तो वैसे ही हट जाता है। और इसको अगर मान लो इसको तुम 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट के समक्ष पेश भी ना करो तो अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा। करना 6 वीक के अंदर अंदर ही है, समझ गए? डिसअप्रूव अगर पार्लियामेंट कर देगा तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन तुम पेश ही ना करो तो 6 वीक के बाहर तो अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा। तो मैक्सिमम लाइफ इसकी, रिसेस की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? 6 मंथ। भाई एक हाउस कितने महीने बिना सेशन के रह सकता है? 6 महीने ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम। तो अगर हम ध्यान लगाएं कि पहले दिन से शुरुआत करें ऑर्डिनेंस बनाने की, तो 6 महीने तो रिसेस के हो गए ऑर्डिनेंस निकाले हुए,
और 6 वीक पार्लियामेंट के, तो मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी इसकी, 6 महीने 6 वीक, ठीक है। ऑर्डिनेंस किसी भी एक्ट को रिपील कर सकता है, किसी भी ऑर्डिनेंस को भी रिपील कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, एक्ट को चाहे ऑर्डिनेंस हो, किसी को भी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है। दूसरा है ऑर्डिनेंस कैन नॉट अल्टर अ टैक्स लॉ, गलत है ये। टैक्स लॉ को भी अल्टर कर सकता है, अमेंड कर सकता है, ऑर्डिनेंस को जब ये अपील कर सकता है, जब एक एक्ट को अपील कर रिपील कर सकता है, तो टैक्स लॉ को अमेंड क्यों नहीं कर सकता, समझे। और लेकिन एक बात याद रखने की जरूरत है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है, एक ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। तो अगर हम आंसर देखें यहाँ पे, तो 1, 3 एंड 4 हमारा यहाँ पे सही होता है। सेकंड स्टेटमेंट था कैन नॉट अल्टर टैक्स लॉ, गलत है, टैक्स लॉ को अल्टर कर सकता है। अगला है क्यूरेटिव पिटीशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट क्यूरेटिव पिटीशन, इट मस्ट बी रेयर रेदर देन रेगुलर। अ क्यूरेटिव पिटीशन इज यूजुअली डिसाइडेड बाय जजेस इन द चैम्बर अनलेस अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर एन ओपन कोर्ट इज हियरिंग इज अलाउड। द बेंच एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन कैन नॉट आस्क एनी सीनियर काउंसिल टू असिस्ट इट एज अमिकस क्यूरे। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इवॉल्व हुई 2002 में रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा नाम की केस में। होता क्या है, जब भी कोई जजमेंट पास होता है तो उस पर पहले रिव्यू पिटीशन डाली जाती है। जजमेंट आया, पार्टी खुश नहीं है, तो वो रिव्यू पिटीशन डालती है। रफाल का केस हुआ था, आप सबको याद है, राहुल गांधी ने रिव्यू पिटीशन डाली थी, कोर्ट ने डिसमिस कर दी। तो यहाँ पे अब ऑप्शन बचता है राहुल गांधी के पास क्यूरेटिव पिटीशन डालने का। तो पहले जब रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाती है, तब क्यूरेटिव पिटीशन एक आखिरी रास्ता बचता है पिटीशनर के पास, जिसमें वो सोचता है कि हाँ, इसमें मुझे जस्टिस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप क्यूरेटिव पिटीशन को पढ़े और कॉमन सेंस लगाए, तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इट मस्ट बी रेयर रेदर देन रेगुलर। एक प्रिंसिपल है ये कि ये रेयर तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रोज की रोज ही क्यूरेटिव पिटीशन आई जाए। और इसके कुछ रूल्स भी हैं, तभी इसको अलाउ किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है क्यूरेटिव पिटीशन इज यूजुअली डिसाइडेड बाय जजेस इन द चैम्बर अनलेस ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर एन ओपन कोर्टिंग हियरिंग इज अलाउड। सही है, क्यूरेटिव पिटीशन यहाँ पे जजेस अपने चैम्बर में ही सोल्व करता है, अपने चैम्बर में ही यहाँ पे डिसाइड करता है। हाँ, अलग से कोई रिक्वेस्ट आ जाए तो फिर ओपन कोर्ट में हियरिंग हो जाती है। थर्ड है बेंच एट एनी स्टेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन कैन नॉट आस्क एनी सीनियर काउंसिल टू असिस्ट इट एज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे क्या होता है, एमिकस क्यूरे का अगर मैं मतलब बताऊँ तो ये हो गया कोर्ट का दोस्त, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, थर्ड पार्टी होती है ये। बेसिकली जब भी कोई केस ऐसा आता है जिसमें लगता है यार किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन या स्पेशलाइज पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट की जरूरत है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के रूप में किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पार्टी को लाया जाता है, ताकि वो केस को सुलझाने में मदद कर सके कोर्ट की। तो इसमें कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है कि एमिकस क्यूरे बन के कोई हो आ नहीं सकता। बिल्कुल एमिकस क्यूरे का प्रोसीजर भी यहाँ पे है, और अगर आप देखें तो इसमें कभी भी किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर किसी भी सीनियर काउंसिल को एमिकस क्यूरे बना के लाया जा सकता है। कुछ और चीज़ें यहाँ पे कि मैंने एक तो बता दिया कि रेयर होनी चाहिए, दूसरी बात ये तभी जाती है रिव्यू क्यूरेटिव पिटीशन, तभी जो है सबमिट होती है, तभी कोर्ट इस पर थोड़ी नज़र देता है जब लगे कि हाँ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, या फिर कोर्ट में उनको ढंग से सुना नहीं गया, जो पार्टी थी उसको ढंग से सुना नहीं गया। जो जजमेंट पास किए थे पहले उन जजेस के पास ये जाती है, अगर वो नहीं होते तो फिर जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की बेंच होती है उनके पास जाती है। हालांकि मेजोरिटी ऑफ जजेस बोल दे तभी ये मैटर वापस सुनवाई होती है इसकी, वरना नहीं होती, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 और 2 सही है और 3 गलत है। एमिकस क्यूरे बना के लाया जा सकता है, कैन नॉट आस्क नहीं, कैन आस्क होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अच्छा किस आर्टिकल की बात हो रही है, आर्टिकल 348 क्लोज 1। सुप्रीम कोर्ट में जितनी प्रोसीडिंग्स हैं और हाई कोर्ट में, सारी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, जब तक पार्लियामेंट लॉ बना के कुछ अलग से ना कह दे। बिल्कुल सही है, क्या गलत है। आर्टिकल 348 पढ़िए आप, गवर्नर ऑफ स्टेट मे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑथोराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पज ऑफ द स्टेट एंड इन प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट हैविंग इट्स प्रिंसिपल सीट इन दैट हाउस। गवर्नर जो होता है स्टेट का, प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके हिंदी लैंग्वेज या किसी भी ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज को या फिर किसी भी और लैंग्वेज को,
यहाँ पे मैंने लिखा नहीं स्टेटमेंट में, लेकिन ध्यान रखिएगा चला के नहीं लिखा था मैंने, हिंदी लैंग्वेज को और किसी भी लैंग्वेज को स्टेट के ऑफिशियल पर्पज के लिए या हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए अलाउ कर सकता है, ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट स्टेट में ही होना चाहिए उसकी बात चल रही है, ठीक है, पर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आपका आर्टिकल 348 ही है और क्लोज 2 है, तो इस आर्टिकल को पढ़िए। लक्ष्मीकांत ने एक चैप्टर है ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको पढ़िए, नहीं समझ में आया तो तब समझ में आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और आधे बच्चों ने इसको सही किया, बाकी थोड़ा रिविजन पर ध्यान दें। डिफेमेशन आजकल बहुत न्यूज़ में, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है तो डिफेमेशन का केस लगा देता है। डिफेमेशन का मतलब क्या है? डिफेमेशन पहला स्टेटमेंट पढ़ता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिफेमेशन इज द कम्युनिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल और रिलीजन। बिल्कुल सही, ऐसा स्टेटमेंट देना, ऐसा झूठा स्टेटमेंट देना जिसे किसी भी इंडिविजुअल या रिलीजन की रेपुटेशन खतरे में आ जाए। थोड़ी अगर वाइड डेफिनेशन में इसकी पढ़ूँ तो इसमें बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन, नेशन सब आ जाते हैं। इन सब में किसी की भी आप इंसल्ट या हार्म नहीं कर सकते किसी की भी रेपुटेशन, अदरवाइज इट वुड बी अमाउंट एज डिफेमेशन। डिफेमेशन इंडिया में सिविल ऑफेंस भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है उस लॉ का। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुछ ऐसा डिफेमेशन का काम किया जिसकी वजह से उस जिसकी भी रेपुटेशन यहाँ पे नीचे हुई, उसको एक कंपनसेशन मिल गया, सीधा साधा कंपनसेशन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये सिविल ऑफेंस हो गया। हालांकि मान लो अगर किसी ने इस तरीके से डिफेमेशन किया कि अगर क्रिमिनल लॉ उसको कहता है कि भैया जिसने डिफेमेशन किया उसको सजा दो, दूसरों को एक मैसेज दो कि ऐसा दोबारा ना करना, तो लॉ पे डिपेंड करता है कि डिफेमेशन किस तरीके से हुआ है और जो लॉ इस पे लग रहा है वो बेसिकली क्या अचीव करना चाहता है। हालांकि इतनी डिटेल यूपीएससी में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ये जो है डिफेमेशन की डेफिनेशन और क्रिमिनल और सिविल ऑफेंस दोनों है। तो 1, 2, 3 तीनों सही थे, 29% बच्चों ने ही सही किया है इसका। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीज़ों में, करंट अफेयर्स में काफ़ी रहता ही है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैग्मा सॉलिड रॉक से लाइटर होता है इसलिए ऊपर आ जाता है और सरफेस से बाहर निकल जाता है। सारे वोल्केनिक इरप्शन एक्सप्लोजिव नहीं होते, एक्सप्लोजिविटी डिपेंड करती है कि मैग्मा का कंपोजिशन कैसा है। मैग्मा अगर रनी हो और थिन हो तो गैसेस इसको एस्केप नहीं कर सकते, एस्केप नहीं करेंगे तो प्रेशर हो जाएगा और प्रेशर हो जाएगा तो वॉयलेंट एक्सप्लोजन कभी ना कभी हो सकता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट में वापस पढ़ते हैं। इफ द मैग्मा इज रनिंग एंड थिन, मैग्मा अगर तेज चल रहा है और पतला है तो गैसेस को एक्सेप्ट नहीं करे, एस्केप नहीं करेगी। कैसे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। गैसेस अगर यहाँ पे थिक और डेंस होगी ना, तब गैसेस एस्केप नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे जो मैग्मा है वो थिक और डेंस होगा, मैग्मा की बात कर रहा हूँ, जो मैग्मा यहाँ पे मोटा और डेंस होगा तो गैसेस इसको एस्केप नहीं कर पाएगी, तो फिर प्रेशर बन जाएगा, फिर फूट जाएगा। मैग्मा अगर थिन है तो गैसेस तो आराम से जा सकती है ना, तो वॉयलेंट एक्सप्लोजन कैसे होगा? धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा अपने आप। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही था, 32% बच्चों ने सही किया। कोशिश जारी रहनी चाहिए, रिवीजन करते रहो। यंग साइंटिस्ट अवार्ड की बात करूं तो देखिए, यंग साइंटिस्ट अवार्ड CSIR देता है और CSIR अपने जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में, केमिकल साइंस, एटमॉस्फेयर, फिजिकल साइंस, उन सब में देता है अपने साइंटिस्ट को। तो साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि CSIR देता है, CSIR अपने साइंटिस्ट को देता है, तो ए और बी दोनों गलत हो चुके हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोरोलिस फोर्स इज द मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एक इक्वेटर। फिजिकल ज्योग्राफी NCERT से दोनों स्टेटमेंट लिए गए, ऐसे कैसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोरोलिस फोर्स मैक्सिमम है पोल्स में और इक्वेटर में बिल्कुल जीरो है। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा समझने लायक था और इसमें अचंभे की बात यह है कि 39% ने ही सही किया है, बाकी ने गलत किया है। दूसरे स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हुई क्यों? ग्रेविटी मैक्सिमम है पोल्स पे और इक्वेटर पे एब्सेंट है, ये बात तो सही है। अर्थ की अगर आप शेप देखोगे तो चपटी हुई जब शेप देखोगे तो आपको पता चलेगा पोल्स थोड़े दूर जा रहे हैं सेंटर से, जो सेंटर में ग्रेविटी होती है, तो ये तो समझ में आता है कि पोल से दूर ही है ग्रेविटी की, तो मैक्सिमम, अच्छा माफ़ कीजिएगा, पोल्स पास में, ठीक है, अर्थ की जो शेप है वो चपटी हुई है तो पोल्स पास में, तो पोल्स तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पोल्स में तो ग्रेविटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि बॉल जब दबाओगे आप कभी भी बॉल को तो देखना कि पोल्स पास में आ गए, इक्वेटर दूर चले जाएगा, तो इक्वेटर दूर चले जाएगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ग्रेविटी एब्सेंट हो गई। ग्रेविटी एब्सेंट कैसे हो सकती है? ग्रेविटी कुछ तो रहेगी, कोरोलिस फोर्स तो एब्सेंट हो सकती है लेकिन ग्रेविटी एब्सेंट नहीं हो सकती, ग्रेविटी हर जगह जो है प्रेजेंट रहेगी चाहे कम ही रहे। तो ध्यान रखिएगा वन ओनली ही इसका है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सी नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं। अगला पढ़ते हैं कि कोल्ड क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो है, ह्यूमस कंटेंट हाई रहता है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल और इक्वेटर क्लाइमेट में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा रहता है तो ह्यूमस कंटेंट कम रहता है। ये भी फिजिकल ज्योग्राफी से स्टेटमेंट दोनों ऐसे कैसे उठाए गए हैं? NCERT रिवाइज़ करिए, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, सी आंसर होना चाहिए था इसका, बोथ ऑफ देम
नहीं समझ आया तो एनसीईआरटी रिवाइज करिए, साफ साफ पता चल जाएगा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बाकी इनमें और भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, और भी दिक्कत आ रही है उस क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।